दोस्तों, आप में से बहुत कम लोग इस बात को जानते होंगे कि मालदीव ने भी एक बहुत बड़ा सपना देखा था, जहां पर मालदीव का टारगेट था कि हम भारत से पहले नेट जीरो इमिशन के टारगेट को कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन इस प्रोजेक्ट में ट्विस्ट ये था कि मालदीव अपने इस सपने को भी भारत की मदद से पूरा करना चाह रहा था, जिसको लेकर के भारत के साथ कई बड़े समझौते भी साइन किए गए। लेकिन रिसेंटली पावर में आई मौजूदा सरकार ने मालदीव के सपने को पूरी तरीके से गुड़ गोबर करके रख दिया है। और आप यकीन नहीं करेंगे कि ये प्रोजेक्ट मालदीव के लिए इतना ज्यादा जरूरी था कि इसकी मदद से मालदीव एशिया में अपनी एक नई पहचान बना सकता था। लेकिन मालदीव की नई सरकार ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारते हुए भारत से आगे निकलने के सपने को भी पूरी तरीके से चूर कर दिया है। क्या है पूरी रिपोर्ट, आइए इस वीडियो में जानते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप में से 83% लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। दोस्तों, ये बात है 26 अप्रैल 2022 की। तब मालदीव में इब्राहिम मोहम्मद की सरकार थी और इनके रिलेशंस भारत के साथ बहुत अच्छे थे, क्योंकि जब ये प्रेसिडेंट बने थे इन्होंने पहला दौरा ही भारत का किया था। वहीं मौजूदा सरकार ने अपना पहला दौरा चीन का किया और साल 2022 में ही इंडिया और मालदीव एक बड़े प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने वाले थे, जहां पर दोनों ही देश एक बड़े एग्रीमेंट को साइन करते हैं। इसमें भारत इंटरकनेक्शन मालदीव के अंदर सेटअप करेगा, जिससे हम एक बड़ी ट्रांसमिशन लाइन मालदीव तक पहुंचाने वाले थे और भारत से जनरेट हुई रिन्यूएबल एनर्जी को हम मालदीव में एक्सपोर्ट करते। भारत इस रिन्यूएबल एनर्जी को एक्सपोर्ट करके रेवेन्यू कमाने वाला था। इसके अलावा मालदीव का जो टारगेट था कि हम 2030 तक नेट जीरो इमिशन के टारगेट को अचीव कर लेंगे, क्योंकि मालदीव एक छोटा देश है और उनके लिए इस टारगेट को अचीव करना काफी ज्यादा आसान है। वहीं भारत की बात की जाए तो भारत का टारगेट है कि हमें करीब 2070 लग जाएगा अपने इस टारगेट को अचीव करने में। और मालदीव बहुत तेजी से और अग्रेसिव होकर के इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, क्योंकि उन्हें इस प्रोजेक्ट से एशिया में एक नई पहचान मिल जाती, क्योंकि वो 2030 तक ही अपने नेट जीरो इमिशन के टारगेट को अचीव करने वाले थे। यानी कि भारत से पहले इस प्रोजेक्ट को सेटअप करके मालदीव नया नाम कमाने वाला था। जहां भारत और मालदीव के साथ हुई इस मीटिंग में भारत के पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर आरके सिंह जी ने भी पार्टिसिपेट किया था और उन्होंने कहा था कि इससे मालदीव को बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी और क्लाइमेट चेंज को भी आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। भारत ने मालदीव का पूरा सपोर्ट किया और यहां तक कि उस प्रोजेक्ट के एग्रीमेंट के कुछ दिनों बाद ही डीपीआर यानी कि डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी तैयार कर ली जाती है। यानी कि किस तरीके से ज्वाइंटली इंडिया और मालदीव के बीच में इस प्रोजेक्ट पर इंप्लीमेंट किया जाएगा। सभी एजेंसीज आपस में बातचीत करती हैं कि किस तरीके से अंडरग्राउंड अंडर सी केबल्स डाले जाएंगे, किस तरीके से ट्रांसमिशन लाइन सेटअप की जाएगी, किस क्वालिटी के और किस कंपनी के ट्रांसफार्मर्स आएंगे और किस लेवल ऑफ वोल्टेज पर यहाँ पर पावर सप्लाई की जाएगी। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज पर आ चुका था। लेकिन साल 2023 में आई मौजूदा सरकार ने भारत के साथ रिलेशन खराब करते हुए अपने इस प्रोजेक्ट पर भी पानी फेर दिया है। अब ये भारत सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि भारत मालदीव तक इस प्रोजेक्ट को सेटअप करेगा या फिर नहीं। आके आपके हिसाब से भारत को यहाँ पर क्या एक्शन लेना चाहिए, कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर लिखिएगा। भारत के ऐसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही आप हमारे इस वीडियो को चेक कर सकते हैं, जहां पर हमने मालदीव के एक और बहुत बड़े प्रोजेक्ट की बात की थी। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।